करते हैं, ये 12 बजे से सोया हुआ है, अभी 4 बज रहे हैं भाई। कैसा हेलो जी, हम जा रहे हैं अपने घर। घर जाने की खुशी में मेरी तबीयत हो गई खराब, बुखार हो गया रात को और गला था खराब हो गया है, आवाज़ से आपको लग रहा होगा। तो अभी खैर व खैरियत से घर पहुँचे, बाकी रास्ते में हमारे साथ है सोनू जिसे हम मुदस्सिर कहते हैं, तो आगे आपको पता चलेगा। ये ड्राइवर हमें छोड़ने आया था, अब ये हमारा सामान उतार रहा है तो उसके बाद ये चला जाएगा। और मेरा बैग के लिए थोड़ा बहुत रुके हैं इधर। ये सोनू भाई है। हाँ सोनू, चलिए नमाज पढ़ोगे? हाँ जी, तो अभी हम अफ्तारी करने के लिए रुके हुए थे यहाँ पे, पता नहीं कहाँ इन्होंने गाड़ी रोकी है। अफ्तारी वगैरह करेंगे, अरे कुछ सामान तो हम लेके आए हैं, बाकी कुछ लेना है। और क्योंकि यहाँ पे जो है ना बहुत महंगा मिलता है, अगर आप कहीं आते हैं तो मतलब ये जो भी स्टोर है ये बहुत महंगा देते हैं, तो इसलिए हमने बंदोबस्त कर लिया था पहले ही। तो अभी ये पता नहीं मुदस्सिर कहाँ चला गया है, वो आए तो हम सेटअप लगा दें इफ्तारी करने का सारा कुछ। सोनू साहब जो है अभी उठे हैं भाई, इतना सोते हैं ये, मुझे नींद ही नहीं आई, ये पता नहीं इतना सोते हैं ये, 12 बजे से सोया हुआ है, अभी 4 बज रहे हैं भाई। कैसा फील कर रहे हैं भाई सिंध में आके, बताओ? सांस आ रही है। अच्छा यार, सहरी वगैरह कर लें फिर मिलते हैं इंशाल्लाह आगे। कम से कम हम 7:35 पे अपने इलाके में पहुँच जाएंगे। अभी तो हम सखर में हैं, चला के सखर में, अभी सखर टर्मिनल से उतरे हैं तो सर मिलते हैं ना आगे, फिर वगैरह करते हैं। तो आते हैं दोस्त और हमें लेने आया, ये हमारा दोस्त है, इसका हम तारफ आपको अगले ब्लॉग में कराएंगे। आगे बहुत सारे अभी ब्लॉग आएंगे क्योंकि अभी गाँव है तो कंटेंट बड़ा अच्छा जाएगा। और ये सोनू साहब को भी छोड़ना है हमें, मोबाइल की बैटरी भी खत्म है भैया, तो यहीं पे एंड करेंगे ब्लॉग को, मिलते हैं आगे ब्लॉग में।